नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत का टॉपिक चल रहा था आपका। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताऊँगा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की शासिका थी, सुल्तान थी आप कह सकते हैं। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अमीरों ने इसको नहीं बनाया। एक इल्तुतमिश का आयोग पुत्र था, उसको शासक बना दिया। यहाँ पर देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था, परंतु अमीरों का समर्थन पाकर इल्तुतमिश का आयोग पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बन बैठा। तो बनाया तो था इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को, लेकिन चूंकि अमीर जो थे, जो सामंत थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर किसी स्त्री का शासन हो, यानी वो किसी स्त्री के अधीन रहकर काम करे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ नियम कानून बना करके, ऐसा करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, जो कि इल्तुतमिश का आयोग पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान का पूरा नियंत्रण था। अब ये कौन थी? इल्तुतमिश की पत्नी थी। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल आया तो इसी का पूरा एक प्रकार से प्रभाव था। जनता त्रस्त हो गई थी क्योंकि शासन कौन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। जनता चाहती थी कि जो सुल्तान बने वो रजिया सुल्तान बने, और रजिया सुल्तान भी यही चाहती थी क्योंकि वास्तविक रूप से इसी को सुल्तान बनना चाहिए था। इल्तुतमिश ने इसी को उत्तराधिकारी बनाया था। तो रजिया सुल्तान जनता के बीच जाती है लाल वस्त्र धारण करके। लाल वस्त्र इसलिए उसमें धारण किया जाता था कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको जनता के सामने लाल वस्त्र धारण करके जाना पड़ेगा। तो रजिया सुल्तान जनता के बीच में जाती है लाल वस्त्र धारण करके, और जनता इसको पूरा समर्थन देती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह सब लोग भाग जाते हैं दिल्ली की गद्दी छोड़ करके, और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। 1236 में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। कुछ विद्रोही थे, कुछ अमीर थे, जो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासक बने। सबसे पहले रजिया शासक बनने के बाद उन्हीं का दमन करती है, और ये स्त्री का जो कपड़ा है उसको छोड़ देती है और पुरुषों के समान कपड़ा पहनती है। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांत कुबा मतलब कोट और कुला मतलब टोपी पहनकर जनता के सामने आई। ये दरबार में जब आती थी तो कुबा और कुला पहनकर आती थी। रजिया ने अपने एक अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी असुसाला का प्रमुख नियुक्त किया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। रजिया ने अपने एक अबिसिनियाई दास या गुलाम को जलालुद्दीन याकूत रजिया का एक दास था, इसको इन्होंने अमीर आखूर का पद दे दिया, यानी असुसाला का प्रमुख बना दिया। अब जब ये सारी नियुक्तियाँ रजिया कर रही थी तो इन सारी नियुक्तियों से रजिया का एक अमीर था अल्तुनिया, वो नाराज़ हो गया, जिसको भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया गया था। भटिंडा का इक्तादार इसको रजिया ने बनाया था, लेकिन ये नाराज़ हो जाता है और ये भटिंडा में ही विद्रोह कर देता है। रजिया अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए जाती है वहाँ पर भटिंडा में, और उससे शादी कर लेती कि ये विद्रोह ना करे। जब रजिया अमीरों का दमन करने के लिए राजधानी से बाहर जाती है तभी कुछ तुर्क अमीर जलालुद्दीन याकूत की हत्या करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। ओके, तो जब रजिया जाती है किसके पास? अल्तुनिया के पास, भटिंडा जाती है विद्रोह का दमन करने, उसे शादी करने जाती है, तभी क्या होता है कि यहाँ पर दिल्ली का शासन किसके हाथ में रहता है? जलालुद्दीन याकूत के हाथ में, क्योंकि ये अमीर आखूर था, ये दूसरा प्रमुख होता था राज का।
तो इसी के अंडर में छोड़ करके चली जाती है बठिंडा में। और यहाँ पर जो अमीर होते हैं वो जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर देते हैं और शासक किसे बना देते हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। जब रजिया और अल्तूनिया को जो बठिंडा में थे ये बात पता चलती है तो वो दोनों वहाँ से चलते हैं। जब रजिया सुल्तान अल्तूनिया के साथ राजधानी से वापस लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या 1240 में करवा दी, यानी कि दोनों की हत्या रास्ते में हो जाती है। तो इस प्रकार रजिया ने 3 वर्ष 6 महीने तक शासन किया। एक योग्य शिक्षित दयालु साहसी और योग्य सेनापति थी और सुल्तान भी थी, लेकिन सबसे बड़ी इसकी कमजोरी यही थी कि ये स्त्री थी और अमीर नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री हम पर शासन करे, इसलिए उन्होंने इसकी हत्या रास्ते में ही करवा दी। एल्फिस्टन एक इतिहासकार है, इन्होंने कहा यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भी भारत के महान शासकों में लिया जाता। अब शासक बन गया मुइजुद्दीन बहराम शाह, 40 से 42 ईस्वी तक ये शासन करता है, 2 वर्ष तक। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र ही था, आयोग पुत्र इसको भी कह सकते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह एक मुस्लिम तुर्की शासक था जो दिल्ली का 6ठा सुल्तान बना। यह गुलाम वंश से संबंधित था और इल्तुतमिश का पुत्र एवं रजिया सुल्तान का भाई था, तो ये भी इल्तुतमिश का पुत्र ही था। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। चलिए, सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब या नाइब मुमालिकात का सृजन किया। अब जो अमीर थे ये चाहते थे कि सुल्तान का प्रभाव कम रहे और हमारा प्रभाव ज़्यादा रहे। अमीर का मतलब जो आसपास राजा के रहते थे, बैठते थे दरबार में। तो अमीरों ने एक नया पद बनाया, नाइब मुमालिकात, और मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एतगीन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से भी शादी कर लिया। तो ये भी एक अमीर था, इख्तियारुद्दीन एतगीन एक अमीर था। इसने एक चाल चली थी कि एक नया पद बनाएंगे जिससे क्या होगा, सुल्तान के पद की गरिमा या प्रभाव थोड़ा कम होगा, और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ये सुल्तान की तलाकशुदा बहन से शादी भी कर लेता है। एतगीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं से बहराम शाह आशंकित हो गए, लेकिन बहराम शाह को पता चल गया कि यह शादी कर रहा है मेरी बहन से और एक नया पद बनवाया और भी सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसको लगा कि कहीं ना कहीं मेरा प्रभाव कम हो रहा है, तो ये आशंकित हो गया और 2 माह के भीतर ही उसकी हत्या करवा दी। ये 2 माह के भीतर ही इसकी हत्या करवा देता बहराम शाह, नायब के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोलों ने तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। तायर कौन था, मंगोली सेनापति था, मंगोल का सेनापति था, तो इसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। सुल्तान ने वजीर मुहज़्ज़ुबुद्दीन को अन्य अमीरों के साथ मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। अब ये देखिए मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है। मुहज़्ज़ुबुद्दीन ने इस अवसर का लाभ उठाकर तुर्क अमीरों को सुल्तान के विरुद्ध भड़काने के लिए षड्यंत्र रचा। अब हुआ क्या, बहराम शाह ने इनको बहराम शाह ने इनको सेनापति बना करके कहा कि जाओ मंगोलों पर आक्रमण करो, लेकिन ये क्या करता है, ये सेना को बहराम शाह के खिलाफ ही भड़का देता है, इसी के खिलाफ भड़का देता है, उल्टी सीधी बातें कर देता है कि सुल्तान ने हमको यहाँ पर मरने के लिए भेजा, बहुत सारी बातें करता है, तो सेना भड़क जाती है और वो उल्टा बहराम शाह पर ही आक्रमण कर देती है। मई 1242 में उसकी हत्या कर दी गई, मतलब ये जो इसके अंडर में सेना थी और इसके इन दोनों में युद्ध हो जाता है, तो युद्ध में बहराम शाह मारा जाता है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। तो अब सुल्तान कौन बन गया बहराम शाह के बाद, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके शासनकाल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद यानी 1246 में
मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब यहाँ पर बलबन की कहानी शुरू होती है। तो जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है तो एक अमीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अमीर का नाम क्या था? बलबन। तो बलबन क्या करता है, कुछ अमीरों को अपने साथ में मिला करके मसूद शाह को बंदी बनवा लेता है। और इल्तुतमिश का एक पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद, इसको सुल्तान बना देता है। अब जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बन गया तो इसने बलबन को नायब ए मुमालिकात का पद दे दिया और उलूक खां की उपाधि भी दी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। 1265 ईस्वी में कहा जाता है कि बलबन नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है, मतलब हत्या कर देता है, जहर देकर इसको मरवा देता है। और फिर नासिरुद्दीन महमूद भी मर जाता है। 1265 ईस्वी में शासक कौन बन जाता है दिल्ली का? बलबन। सुल्तान कौन बन गया? बलबन। तो ये छोटी सी स्टोरी है, रजिया सुल्तान के बाद कौन बनता है? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद बलबन। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बलबन को पढ़ेंगे और वो गुलाम वंश का लास्ट वीडियो होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।